गुजरात में पीएम मोदी का सबसे लंबा रोड शो, 3 घंटे में करीब 50 किलोमीटर तक जाएगा काफिला। रोड शो नर्मदा गांव से शुरू होकर गांधीनगर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र तक जाएगा। 16 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा प्रधानमंत्री का रोड शो। रोड शो के दौरान उमड़ी लोगों की भारी भीड़। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री ने एक एम्बुलेंस को भी काफिला रोक कर रास्ता दिया। प्रधानमंत्री के रोड शो में भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों के बीच सेल्फी लेने के लिए भी मची रही होड़। गुजरात में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। पहले चरण में सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर मतदान हुआ। गुजरात में 60% मतदान हुआ। 19 जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ संपन्न। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज सौराष्ट्र, कच्छ और राज्य के दक्षिणी हिस्सों के 19 जिलों में 89 सीटों पर वोटिंग। राजकोट में बीजेपी प्रत्याशी और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा ने वोट डाला। रिबाबा जडेजा जामनगर उत्तर से चुनाव लड़ रही हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राजकोट में वोट डाला है। वहीं हर्ष संघवी ने भी पूजा के बाद मतदान किया। सूरत की वराछा सीट पर देखी अनोखी तस्वीर। पाटीदार चेहरा रहे आम आदमी के प्रत्याशी अल्पेश कथीरिया और बीजेपी नेता पूर्व मंत्री करानी एक मतदान केंद्र पर आमने सामने आए, जिसके बाद अल्पेश ने कुमार करानी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं कुमार ने भी अल्पेश को गले लगा लिया। पीएम मोदी के अपमान पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा कांग्रेस में चल रही है पीएम मोदी के अपमान की होड़, लेकिन जितनी बार गुजरात में प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्द का उपयोग किया, उतनी ही बार जनता ने बैलेट बॉक्स में जवाब दिया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जवाब में राजस्थान में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा। जयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 51 रथों को दिखाई हरी झंडी। सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में रथ यात्रा 3 और 4 दिसंबर से शुरू होगी। जन आक्रोश यात्रा का उद्देश्य राज्य सरकार को उसकी चौथी वर्षगांठ पर घेरना है। आपको बता दें कि राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे मौजूद। अरविंद केजरीवाल ने कहा आपको दिल्ली में आपको डबल इंजन की सरकार बनाने की जरूरत है। मैनपुरी में एसपी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की पुलिस से तीखी झड़प का वीडियो हुआ वायरल। दरअसल गाड़ी की चेकिंग करने को लेकर धर्मेंद्र यादव की पुलिस से झड़प हुई। धर्मेंद्र यादव ने पुलिस वालों से कहा कि बीजेपी के नेताओं की गाड़ियां क्यों नहीं चेक करते हो। मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता लागू करने सरकार कमेटी बनाएगी। सीएम शिवराज ने किया ऐलान, बोले भारत में अब एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता एक पति रखने का अधिकार है, तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए। जयपुर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच हुआ समझौता। 4 दौर की वार्ता के बाद समझौता हो पाया संभव। मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि जल्द बैकलॉग का नियम लागू कर आने वाली भर्तियों में लाभ दिया जाएगा। 1 महीने में कमेटी करेगी समाधान। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का हुआ नार्को टेस्ट। जानकारी के मुताबिक आफताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट में भी श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की है। आफताब ने श्रद्धा के मोबाइल और कपड़े कहां फेंके हैं इसकी भी जानकारी दी। नार्को टेस्ट के दौरान फॉरेंसिक लैब, साइकोलॉजिस्ट, फोटो एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। 2 से 3 दिनों बाद हो सकता है आरोपी आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट के दौरान दिए गए जवाबों पर पूछे जाएंगे सवाल। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के दौरान जवाबों में अंतर पर भी होंगे सवाल। एफएसएल के एक्सपर्ट्स और जांच टीम के सदस्य उगलवाएंगे आफताब से श्रद्धा की हत्या के राज।
मुंबई के खार इलाके में बुधवार रात एक कोरियाई महिला से छेड़छाड़ की गई। दक्षिण कोरिया की महिला से YouTube लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान दो लड़कों ने की छेड़छाड़ की कोशिश। हालांकि कुछ देर बाद दोनों आरोपी चले गए। पुलिस घटना का संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपी लड़कों को गिरफ्तार करने में सफल रही। नोएडा में एक कैब में छूटा 1 करोड़ की ज्वेलरी से भरा बैग। नोएडा पुलिस ने कैब का लोकेशन ट्रेस कर महज 4 घंटे के अंदर अंदर बैग को किया बरामद। बैग वापस मिलने के बाद NRI और उनके परिजनों ने पुलिस का किया धन्यवाद। बेटी की शादी के लिए लंदन से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की ज्वेलरी लेकर पहुंचा था परिवार।